हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग के साथ जनकुक की शादी हो जाता है, लेकिन जनकुक शादी से पहले ही 3 मंथ प्रेग्नेंट है और ये बात वो तियांग को बताना चाहता है, लेकिन तियांग ने हमेशा इस बात को टाल दिया और जनकुक से नहीं सुना। जनकुक बहुत ही परेशान हो गया। जब तियांग को पता चलेगा कि उसने जिससे शादी किया है वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, वो भी 3 मंथ का, तो तियांग क्या रिएक्ट करेगा। लेकिन तियांग ने जनकुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जनकुक बहुत ही टेंशन में है। आज इन दोनों की शादी के फर्स्ट नाइट है और तियांग रूम में इंटर किया। जनकुक ने तियांग से कहा, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ इससे पहले कि तुम। तियांग ने कहा, जो भी कहना है बाद में कह देना। उसके बाद तियांग आकर जनकुक के साइड पर बैठ जाते हैं और उसके नज़दीक आ जाते हैं। जनकुक बहुत ही घबरा जाता है और तियांग से कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो इससे पहले कि तुम। तियांग ने जनकुक के होठों पर किस कर लिया और बहुत ही डीप और बहुत ही रोमांटिकली किस कर रहा था। लॉन्ग किस के बाद जैसे तियांग जनकुक से अलग हुआ, जनकुक ने तियांग से कहा, अब तो मेरी बात सुन लो इससे पहले कि तुम कुछ और करने लग जाओ। देखो, तुम्हें बाद में बहुत ही पछतावा होने वाला है अगर तुम नहीं सुनने वाले हो तो। मैं तुम्हें शादी से पहले ये बात बोलना चाह रहा था, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, लेकिन मुझे अभी बोलना ही पड़ेगा। तियांग ने जनकुक को अपनी बाहों में लेकर टाइटली हक करते हुए कहा, सो जाओ, गुड नाइट। उसकी फोरहेड पे किस किया। जनकुक कहता है, क्या तुम और कुछ नहीं करने वाले हो और तुम मुझे सोने के लिए बोल रहे हो। तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम बहुत थक गए होंगे, यही कहना चाहते हो ना, सो जाओ। जनकुक कहता है, ए नहीं, मैं कुछ और बोलने चाहता हूँ। लेकिन तियांग ने कहा, सुबह को बात करेंगे, सो जाओ अभी, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे सुबह को काम पर भी जाना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जनकुक कहता है, तुम शादी के बाद भी ऑफिस जाने वाले हो क्या। तियांग ने कहा, क्यों, शादी के बाद काम करना मना है क्या। जनकुक कहता है, लेकिन शादी के बाद तुम कुछ दिन तो ब्रेक ले सकते हो ना। तियांग ने कहा, नहीं, मैं ब्रेक नहीं ले सकता हूँ, मैंने इतनी बिजी शेड्यूल में ही भी तुमसे शादी किया, अब मैं अगर काम में नहीं जाऊँगा तो बहुत ही लॉस हो जाएगा और पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। जनकुक बहुत ही शौक हो गया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इतना शौक क्यों हो रहे हो, तुम यही कहने वाले थे ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 3 मंथ का। जनकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला और तुम कैसे जानते हो। तुम्हें पता था तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मैं पहले से प्रेग्नेंट हूँ और किसी और का बच्चा है। देखो, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कैसे हुआ, लेकिन जो भी है, आई एम सॉरी, तुम्हें शादी से पहले नहीं बता पाया। तियांग ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। जनकुक कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। तो फिर तियांग ने कहा, उस दिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। जनकुक कहता है, क्या इसलिए तुमने मुझसे शादी किया। तियांग ने कहा, अगर सच कहूँ तो मैं तुमसे पहले से ही प्यार करता था, लेकिन कभी बता नहीं पाया, लेकिन उस दिन मैं बहुत ही ड्रंक हो गया था और जब तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें फोर्सफुली लिफ्ट में लेकर गया और लिफ्ट बहुत ही अंधेरा था, तुम मुझे देख नहीं पाए, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से पहचान लिया था और मैंने नशे की हालत में तुम्हारे साथ वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। और जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे बहुत ही गिल्टी होने लगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मुझे पसंद करो और मुझसे प्यार करो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। जनकुक, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या फिर तुम मुझे हेट करते हो ये सुनने के बाद। क्या तुम किसी और के साथ शादी तो नहीं करना चाह रहे थे या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे। जनकुक ने तियांग की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, बस करो, अब मुझे बोलने का मौका दोगे क्या, तुम हमेशा खुद इतना बोलते हो कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते हो। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो बोलो। जनकुक कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं तुमसे इतना पसंद करता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले से ही शादी करने का सपना देख लिया था, लेकिन जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था मैं बहुत ही डर गया था, उसके बाद मैंने तुमसे शादी करने का सपना देखना ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा अब तुमसे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मेरे एक दोस्त यूनो ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तुमसे कह देना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बता नहीं वाला था, लेकिन अचानक मुझे चक्कर आने लगा और मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला। तियांग जनकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुमने कितना सब कुछ झेला है और देखो ना, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं,
लेकिन कभी भी एक दूसरे को बता नहीं पाए। जब हमारी शादी हो चुकी है तो अब हम एक दूसरे को खुलकर कह सकते हैं। जनकुक, आई रियली लव यू, जनकुक ने कहा, आई लव यू टू। और तियांग उसकी होठों पर फिर से किस कर लेता है। किस करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच होकर सोया हुआ था, लेकिन तियांग ने जनकुक को बाहों में लेकर उसकी फोरहेड पर सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार दूंगा, तुमसे इतना प्यार करता हो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, आई केयर अबाउट यू, जनकुक ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया जो मैं चाह रहा था, लेकिन ऐसे होगा मुझे कभी पता नहीं था, मुझे लगा शायद मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और तुम मुझे मना कर दोगे, लेकिन कैसे भी करके हमारी शादी तो हो गई और देखो अब हम दोनों कितने खुश हैं और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये कहते हुए जनकुक बहुत ही शाई हो गया और उसने अपनी फेस को हाथ से कवर कर लिया। जनकुक को ऐसा करते देखकर तियांग ने देखा कि जनकुक बहुत ही क्यूट लग रहा है, तो तियांग अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो जनकुक के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद दोनों जैसे ही सुबह हो जाते हैं, दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। हॉल में आर्यम और जिन बैठा हुआ था। आर्यम तियांग का बड़ा भाई है और जिन ब्रदर इन लॉ। जिन ने तियांग से कहा, क्या हुआ तियांग, शादी की बात तो तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, और शादी के पहले तुम उससे ही प्यार करते थे ना जो अब तुम्हारे हस्बैंड हैं। हमें पहले से पता था, जब तुमने जनकुक से शादी करने के बारे में बोला तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया था, तो हम जनकुक से शादी तुम्हारी पहले ही करवा देते, इतने साल तक हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता। देखो ज़रा तुम 30 ईयर्स के हो चुके हो और अब तुम शादी कर रहे हो, अगर पहले शादी कर लेते एक बच्चे के बाप बन जाते तुम, तियांग ने कहा। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, जनकुक प्रेग्नेंट है, और आर्यम ने कहा इतनी जल्दी बोल दिया, थोड़ा सा रुक कर बताते, देखो तुम्हारी बात सुनकर मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। तुम्हें क्या बोल रहे हो, जिन ने कहा, तियांग ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी शादी तो कल ही हुआ है ना, एक दिन में ही तुमने जनकुक को प्रेग्नेंट कर दिया, बहुत ही अजीब बात है, तुम में बहुत ही पावर है जनकुक, वो बहुत ही शाई हो रहा था। तो आर्यम ने कहा, जिन चुप करो, पहले मुझे सुनने दो, तियांग क्या हुआ। तो फिर तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। आर्यम और जिन बहुत ही शौक हो गया और उसने कहा, क्या, तो फिर तुम दोनों पहले ही, जिन की बात सुनकर जनकुक को और भी शाई फील होने लगा। जनकुक उठकर जाने ही वाला था, तियांग ने हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ, तुम्हें अभी ब्रेकफास्ट करना है, टाइम से खाना खाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तियांग जब जनकुक की हैंड पकड़ लिया था और उसका इतना प्यार कर रहा था, जिन ने आर्यम को कहा, देखा तुमने तियांग जनकुक से कितना प्यार करता है, और तुम हो कि मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, हमेशा मुझसे ये कहते रहते हो कि मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, और देखो तुम्हारा छोटा भाई तुमसे बहुत रोमांटिक निकला और तुम बहुत ही अनरोमांटिक हो, आर्यम ने कहा। क्या ऐसा है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और जिन की हाथ पकड़कर रूम में लेकर जाने लगता है। जिन ने कहा, क्या कर रहे हो आर्यम, मजाक करना बंद करो, वो लोग हमें देख रहा है, लेकिन आर्यम ने जिन को रूम के अंदर लेकर आया, दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, क्यों, तुम मुझे सबके सामने नीचा दिखा रहे थे ना, जिन ने कहा, क्या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें नीचा क्यों दिखाऊंगा, आर्यम ने कहा, तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि मैं सच में बहुत ही अनरोमांटिक हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैं कितना रोमांटिक हूँ, अब मैं तुम्हें फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए आर्यम ने जिन के साथ बहुत ही रोमांटिकली इंटीमेट होने लगा। और यहाँ पर तियांग जनकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी इतना शाई क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी बहुत शाई फील हो रहा है। जनकुक तियांग से कहता है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करता है ना, तियांग ने कहा, क्यों, क्या मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता हूँ, क्या तुम्हें से वो दोनों ही रोमांटिक दिखता है क्या। जनकुक ने कहा, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। तियांग ने जनकुक की हैंड पकड़कर अपने पैरों में बैठा देता है। जनकुक कहता है, क्या कर रहे हो, वो लोग आ जाएगा। तियांग ने कहा, वो लोग इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाला है, तो तुम इतना टेंशन मत करो और बहुत ही आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। जनकुक ने कहा, क्या, मैं खुद से खा लूँगा। लेकिन तियांग ने अपने हाथों से जनकुक को खाना खिलाया और इसके बाद जनकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। जनकुक ने कहा, तुम बहुत ही हैंडसम हो। तियांग ने कहा, और तुम बहुत क्यूट हो। जनकुक कहता है, वो तो हो। तो फिर तियांग जनकुक को पेस्ट्री खिला रहा था और पेस्ट्री खाने के टाइम पर जनकुक की लिप पर थोड़ा सा क्रीम लग जाता है। तियांग अपने आप को नहीं रोक पाता है और जनकुक की होठों पर किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही देर तक किस कर रहा था। अचानक तियांग को लेने के लिए उसके मैनेजर आ जाता है। मैनेजर
जिमिन है और जिमिन आकर त्यांग से कहता है, सो सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, वो लेट हो रहा था तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। त्यांग ने कहा, अच्छा किया है तुमने, बैठ जाओ। क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है? जिमिन ने कहा, हाँ मैंने कर लिया है। तुम तैयार हो जाने के लिए? त्यांग कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। उसके बाद जिमिन के साथ वो ऑफिस जाने लगता है। जनको को कहता है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। जनको त्यांग को अभी से मिस कर रहा था और वो त्यांग की किस के बारे में सोचकर शाही हो रहा था। त्यांग जब से जिमिन के साथ ऑफिस आया है वो सिर्फ जनको के बारे में ही सोचे जा रहा था। जिमिन त्यांग के साथ ऑफिस के कुछ फाइल के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन त्यांग वो तो जनको के ख्यालों में खोया हुआ था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ त्यांग, क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो या नहीं? त्यांग ने कहा, क्या हुआ? सो सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या तुम फिर से कह सकते हो? जिमिन ने कहा, तो ठीक है तुम जिस ख्यालों में खोए हुए हो उसके पास ही क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हें ऑफिस आने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम शादी के दूसरे दिन ऑफिस कैसे आ सकते हो। त्यांग क्या तुम्हें जनको को लेकर हनीमून पर नहीं जाना चाहिए? त्यांग ने कहा, वो मुझे पहले थोड़ी पता था। जिमिन कहता है, तुम्हें क्या नहीं पता था? त्यांग ने कहा कि जनको भी मुझसे प्यार करता है, मुझे ये बात पता नहीं था। अगर पता होता, अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्या करते? त्यांग त्यांग ने कहा, तुम्हें ऑफिस ना आकर जनको को लेकर स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए जाता। जिमिन ने कहा, तो अभी भी देर नहीं हुआ है, तुम चाहो तो अभी भी जा सकते हो। त्यांग ने कहा, लेकिन वो प्रेग्नेंट है और मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया है। जिमिन ने कहा, इसमें प्लानिंग करने वाली कौन सी बात है? वो 3 महीने प्रेग्नेंट है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? और तुम अपनी प्राइवेट जेट लेकर जा सकते हो, इसमें कोई रिस्क नहीं होगा और तुम लोग जल्दी वापस भी आ जाओगे। वैसे भी जनकुक 3 महीने का ही प्रेग्नेंट है, जब उसकी टर्म भी बड़ा हो जाएगा तब और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी ही टाइम है तुम दोनों को साथ में घूमने का। त्यांग ने कहा, ठीक है तुम सबको संभाल लोगे ना? जिमिन ने कहा, मेरे होते तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और त्यांग मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, वो युंगी आने वाला है मुझसे मिलने के लिए और वो भी मुझे हेल्प कर देगा ऑफिस के काम को संभालने में। त्यांग वो युंगी और मैं रिलेशनशिप में है, वो हम दोनों जल्दी में ही शादी करने वाले हैं। त्यांग ने कहा, क्या आखिर तुम दोनों मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ? जिमिन ने कहा, फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं, अब तुम जनको को लेकर हनीमून पर जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तुम दोनों वापस आओगे तभी हम दोनों शादी की फैसला करेंगे। तो फिर त्यांग ने जनको को सरप्राइज देने के लिए उसको बिना कॉल किए ही घर आ जाता है और जनको त्यांग को देखकर सरप्राइज हो गया और त्यांग से कहा, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तुम्हें तो इम्पोर्टेंट मीटिंग था ना? त्यांग ने कहा, जल्दी से बैग पैक कर लो, हमें ऑफिस के काम की वजह से एब्रॉड जाना पड़ेगा। जनको कहता है, क्या तुम काम से एब्रॉड जा रहे हो तो मुझे क्यों साथ में लेकर जाना चाहते हो? तुम्हें काम में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मुझे साथ में लेकर जाओगे तो, मैं बहुत सारा बातें करता हूँ, तुम बहुत ही बोर हो जाओगे। त्यांग ने कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं बोर ना हो सकूँ, मुझे काम के बीच में एंटरटेनमेंट तो चाहिए होंगे ना? जनकुक कहता है, क्या सच में? तो ठीक है मैं बैग पैक कर लाता हूँ। लेकिन जनकुक को ये पता नहीं था ये हनीमून है, तो त्यांग जनकुक को लेकर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों स्विट्जरलैंड पर पहुँच जाते हैं, त्यांग के साथ आकर जनकुक तो बहुत ही खुश हो गए और उसे कहा, स्विट्जरलैंड ये तो मेरा ड्रीम लैंड है। त्यांग ने कहा, क्या सच में तुम खुश तो हो ना? जनकुक कहता, बहुत ज़्यादा, ये होटल कितना बड़ा है। त्यांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? जनकुक ने कहा, क्या हम दोनों हनीमून पर आए हैं? त्यांग ने कहा, तुमने कैसे समझ लिया? जनकुक कहता है, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल गया, मैं तुम्हारे फेस को रीड कर सकता हूँ। त्यांग ने कहा, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो गया, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा सकता हूँ, तुम रीड कर लोगे। जनकुक फिर से मुस्कुराने लगते हैं, अपनी फेस को दोनों हाथों से कवर करते हुए। जनकुक की ऐसी क्यूट हरकतों को देखकर त्यांग को उससे प्यार हो जाता है। फिर से त्यांग को जनकुक के प्यार में डूब जाने का मन कर रहा था, तो फिर त्यांग ने जनकुक की होठों पर किस कर लिया और वो दोनों होटल में आने के बाद ही रोमांस में पूरी तरह से डूब गया था। जनकुक और त्यांग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, साथ ही साथ त्यांग जनकुक की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था क्योंकि जनकुक प्रेग्नेंट है और त्यांग जनकुक को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, किसी भी हालत में जनकुक को खुश देखना चाहता है और हर मुश्किलों से हर मुसीबत से बचाना चाहता है। और वो अपने बच्चे और जनकुक की बहुत ही अच्छे से केयर भी कर रहा था, जो देखकर जनकुक को त्यांग से और भी ज़्यादा प्यार होने लगा। त्यांग इतना केयरिंग हस्बैंड है, जनकुक ने कभी सोचा भी नहीं कि त्यांग के साथ उसकी शादी हो जाएगा और उसके बाद जनकुक को त्यांग इतना प्यार देगा।
एक हफ्ते बाद तियांग जनकुक अपने घर पर था और जनकुक तियांग की चेस्ट पर अपनी सर रखकर लेटा हुआ था। जनकुक को तियांग ने उसकी फोरहेड पर सहलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जनकुक कहता है, गुड मॉर्निंग। तियांग जनकुक की फेस पर किस करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे सोते हुए, तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा इतने क्यूट क्यों लगते हो। जनकुक ने कहा, क्योंकि तुम मुझे इस तरह से प्यार से देखते हो ना, इसीलिए ऐसा है। तियांग ने कहा, चलो तैयार हो जाओ। ह्यूंग ने कहा था कि आज घर पर बहुत बड़ी पार्टी है और सुबह से ही लोग आना शुरू कर देगा। तो वह पार्टी बहुत ही धूमधाम से हो रहा था और सब लोग आ गए थे। सारे गेस्ट सिर्फ जनकुक का तियांग की तारीफ कर रहा था और ख़ास करके जनकुक, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। सब लोग जनकुक को ब्लेसिंग दे रहा था। जनकुक के पेरेंट्स आए हुए थे और तियांग से शुक्रिया कहता है और कहता है कि तुमने हमारे बेटे को बहुत सारा प्यार दिया और ऐसे ही खुश रखना, तुमसे ज़्यादा प्यार जनकुक को और कोई नहीं दे सकता है। तियांग ने भी जनकुक के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया, मैं जनकुक की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने वाला हूँ, आप लोग को इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपसे जनकुक की सारी ध्यान मैं रखूँगा, आप लोग फ्री हो, आप लोग को सिर्फ हम दोनों को ब्लेसिंग देना है और ख़ास करके जनकुक को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना, और मैं जनकुक को बहुत ही प्यार से रखना चाहता हूँ, उसको खुश रखना चाहता हूँ, कभी उसकी आंखों पर आंसू नहीं आने दूंगा। जैसे ही पार्टी ख़त्म हो जाते हैं, तियांग और जनकुक अपने बेडरूम में था। जनकुक अपने आप को मिरर में देख रहा था और अपनी टम्मी में हाथ को सहलाते हुए कहता है, जब मेरी टम्मी बड़ा हो जाएगा क्या तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे। तियांग ने कहा, तुम अगर बूढ़े भी हो जाओगे ना और तुम्हारी स्किन जब बहुत ही ज़्यादा झूले हो जाएंगे तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। उसके बाद तियांग जनकुक को चिढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करने वाले हो जनकुक, क्योंकि तुम तो मेरी हैंडसमनेस से प्यार करते हो ना, तुमने हमेशा यही कहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ, अगर मैं हैंडसम नहीं रहा तो क्या तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करने वाले हो और तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चले जाओगे। अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता हूँ क्या तुम मुझे छोड़ दोगे क्या। जनकुक ने तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, चाहे तुम हैंडसम रहो या ना रहो, तुम मेरी नज़रों में हमेशा हैंडसम ही रहोगे, चाहे तुम कैसे भी दिखते हो, क्योंकि तुम मेरे आइडियल हस्बैंड हो। तियांग ने कहा, तुमने बहुत बड़ी बात बोल दिया, मुझे अच्छा लगा, आई रियली लव यू जनकुक। जनकुक ने तियांग से कहा, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहना। तियांग ने कहा, हाँ मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा, इससे भी कहीं ज़्यादा प्यार तुम्हें देने की कोशिश करूँगा और तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही चिपके रहना। जनकुक बहुत ही शाई हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ ही डीएन करता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।